मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, ओ दुश्मन जमाना मुझे न भुलाना, मैं सब कुछ मिटा दूंगा तेरी चाहत में। चलिए स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर फिजिक्स में, मैं राजेश सर। तो आज के वीडियो क्लास में हम लोग जो है इम्पोर्टेंट 12th बोर्ड एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है मॉडर्न फिजिक्स से 12th बोर्ड एग्जाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट जो है ये हर एक साल 12th बोर्ड एग्जाम में हर एक साल इससे क्वेश्चन आता है, तो इसको हम लोग बहुत ही कम टाइम में जो है इसको अच्छे से हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। तो लॉजिक गेट ऐसे सिलेबस में हम लोग का 5 लॉजिक गेट पढ़ना है। कौन कौन सा? तो और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नंद गेट और नॉर गेट। लेकिन मुख्य लॉजिक गेट जो होता है, मेन लॉजिक गेट जो आपका है, वो 3 ही होता है। कौन कौन सा? और, एंड और नॉट, 3 ही मुख्य लॉजिक गेट होता है। लॉजिक गेट मतलब क्या होता है? लॉजिक गेट होता है तर्क युक्ति। लॉजिक गेट तर्क युक्ति है, तर्क स्विच होता है जो कि दो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो है एक रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो मुख्य लॉजिक गेट कौन कौन से हैं? तो मुख्य लॉजिक गेट है और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। जैसे मोबाइल आप देखते हैं, मोबाइल में मान लीजिए कैमरा खोलना है मोबाइल में, तो आप पहले ओके क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद 2-3 ऑप्शन जाते हैं, गैलरी खोलते हैं, उसके बाद फिर जो है मतलब 2-3 ऑप्शन के बाद 2-3 बार क्लिक करते हैं उसके बाद आपको खुलता है, या दूसरा मैसेज खोलते तो फिर 2 बार क्लिक करना पड़ता है, या और भी जो हो। तो ये इनपुट और आउटपुट के बीच में लॉजिक गेट जो है एक तर्क संबंध बताता है। तो यहाँ पर देखिए मुख्य लॉजिक गेट 3 है। कितने हैं मुख्य लॉजिक गेट? 3 है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपसे वो है आपका, इसका जो है आपको आपको ये दो चीज याद रखना है। पहला तो याद रखना है कि इसका संकेत सिंबल क्या होता है। तो और गेट का सिंबल होता है ये वाला, सिंपल से जो बनाए हम लोग जो है, और गेट का जो सिंबल होता है, और गेट का सिंबल ये वाला होता है। ये ध्यान रखना है कि ये और गेट का सिंबल होता है। एग्जाम में आपसे सिंबल पूछ सकता है, तो एग्जाम में मेनली आप लोगों को यह सिंबल पूछता है और ट्रूथ टेबल पूछता है। तो और गेट का सिंबल याद रखना, ये इस तरह से होता है, ये और गेट का है। एंड गेट का सिंबल संकेत कैसा होता है? तो ये ऐसा संकेत होता है, ये और गेट का संकेत है, इसको याद रखना है इस तरह से, ये और गेट का संकेत है। फिर नॉट गेट का संकेत क्या होता है? तो ये नॉट गेट का संकेत है, नॉट गेट। ये 0 गोल वाला याद रखना, ये जहां पर गोल मिल जाए आपको तो समझ जाना है कि ये नॉट गेट है। तो ये नॉट गेट, ए हो गया इनपुट, वाई हो गया आउटपुट। ये एग्जाम में जो आपका है तीनों गेट का संकेत पूछ सकता है कि एंड गेट का संकेत क्या होगा, तो ये वाला होगा। और गेट का कौन होगा? तो इस तरह होगा। नॉट गेट का कौन सा होता है? ये होगा। उसके बाद जो है इसका बुलियन एक्सप्रेशन, जो इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है और गेट का, ए प्लस बी बराबर वाई। एंड गेट का होता है ए इन टू बी बराबर वाई, और नॉट गेट का होता है ए नॉट बराबर वाई। अब सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम इसका और गेट का ये होता है, ए और बी दो ठो स्विच है, और वाई आपका बल्ब है। ये आपका सर्किट डायग्राम होता है, और गेट का, एंड गेट का सर्किट डायग्राम ये होता है, और नॉट गेट का सर्किट डायग्राम ये वाला होता है। अब यहां पर जो आपसे पूछेगा एग्जाम में, इसका किसी का भी, चाहे और गेट हो, एंड गेट हो, नॉट गेट हो, इसका पूछ सकता है आपसे, पूछेगा ट्रूथ टेबल क्या होगा, सत्यता सारणी पूछता है कि इसका संकेत, पहले तो संकेत पूछेगा और उसके बाद पूछेगा सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल पूछता है। तो सत्यता सारणी कैसे बनाते हैं हम लोग? सत्यता सारणी बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे। तो सत्यता सारणी बनाने के लिए आपको खाली बस बुलियन एक्सप्रेशन याद रखना है कि और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ए प्लस बी बराबर वाई। एंड गेट का क्या होता है? ए इंटू बी बराबर वाई होता है। नॉट गेट का क्या होता है? तो ए नॉट बराबर वाई होता है। यदि आप बुलियन एक्सप्रेशन यदि याद रखते हैं ना, तो किसी भी गेट का ट्रूथ टेबल आराम से बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे ट्रूथ टेबल? तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान लग देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पर कर रहे हैं इसको, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल सत्यता सारणी कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए इसका जो आपका बुलियन एक्सप्रेशन है, ये जो समीकरण है ये याद रखना है आपको। ये सिर्फ जो है इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है ये सिर्फ याद रखना है, अगर ये याद रहेगा तो आराम से आप कर सकते हैं इसका। अब देखिए सत्यता सारणी कैसे बनाएंगे इसका, तो सबसे पहले देखिए ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन में क्या, ए प्लस बी बराबर वाई। तो पहले लेंगे यहाँ पर ए लेंगे,
फिर क्या है, फिर बी है, बी ले लेंगे, फिर क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, ए प्लस बी दोनों को जोड़ दिया, ये किसके बराबर होगा, तो वाई के बराबर होगा। अब यहाँ पर ये इस तरह से सत्यता सारणी क्लिक कर दी हम लोग, ये सत्यता सारणी ट्रुथ टेबल बन रहा है हम लोग का और गेट का। अब बताइए ए और बी, देखिए या तो जीरो ले सकते हैं या तो वन ले सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वन का मतलब होता है स्विच ऑन और जीरो का मतलब होता है स्विच ऑफ होता है, तो या तो वन लेंगे या तो जीरो लेंगे। अब देखिए ए और बी, यहाँ ए और बी दो को स्विच दिया गया है ना, वाई बल्ब दिया गया है, तो या तो स्विच को आप या तो ऑन कर सकते हैं या तो ऑफ कर सकते हैं, या तो ए का मान वन ले सकते हैं या ए का मान जीरो ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकते, या तो जीरो या तो वन। अब बताइए ए और बी है, क्या करेंगे, या तो दोनों स्विच को ऑन कर दीजिए, पहला ऑप्शन, दूसरा या तो आप दोनों स्विच को ऑफ कर दीजिए, दोनों जीरो ले लीजिए, तीसरा ऑप्शन या तो ए स्विच को ऑन कर दीजिए, बी स्विच को ऑफ कर दीजिए, चौथा ऑप्शन या तो जो है आप स्विच को, या तो आप इस स्विच को आप ए को ऑफ कर दीजिए, बी को ऑन कर दीजिए, चौथा ऑप्शन हम लोग का यहाँ पर मिल गया। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ ए और बी दोनों वन वन ली है, तो वन प्लस वन क्या होगा, वन प्लस वन जो आपका यहाँ टू होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि वन प्लस वन टू होता है, लेकिन इसमें आपको या तो वन लेना है या तो जीरो लेना है, इसके अलावा कुछ लेना ही नहीं है, तो वन प्लस वन को यहाँ पर वन ही लेंगे, ध्यान रखना है वन प्लस वन को वन लेंगे, तो ए प्लस बी का मान वन है तो वाई भी कितना होगा, वन होगा। अब जीरो प्लस जीरो को यहाँ जीरो लेंगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी बराबर क्या है, वाई है, तो वाई वही होगा, वन प्लस जीरो ये वन होगा तो ये भी वन हो जाएगा, जीरो प्लस वन ये वन होगा तो ए प्लस बी किसके और वाई के और, तो ये भी वन होगा। तो ये हम लोग का सत्यता सारणी कंप्लीट हो गया, ट्रूथ टेबल बन गया हम लोग का। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वाई आपका आउटपुट है, बल्ब है, तो बल्ब एक ही कंडीशन में आपका ऑफ रह सकता है, जब दोनों स्विच ए और बी दोनों स्विच ऑफ रहेगा तभी आपका बल्ब ऑफ रहेगा, अन्यथा किसी भी कंडीशन में आपका बल्ब हमेशा ऑन रहेगा। अगर ए और बी दोनों स्विच में से अगर एक भी स्विच यदि आपका ऑन हो गया तो ये बल्ब जल जाएगा आपका, या तो दोनों स्विच ऑन हो जाए या एक भी स्विच ऑन हो जाएगा तो बल्ब आपका जल जाएगा। बल्ब आपका एक ही कंडीशन में ऑफ रह सकता है जब दोनों स्विच आपका ऑफ रहे, ये तीसरा कंडीशन। तो इसका सत्यता सारणी बन गया, बहुत अच्छा। अब ये एंड गेट का सत्यता सारणी बनाना है, तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन याद रखना, ए इंटू बी बराबर वाई। अब देखिए यहाँ पर सत्यता सारणी बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, ए ले लिए, फिर क्या है, फिर बी है, बहुत अच्छा, फिर दोनों को गुना करेंगे, ए इंटू बी ये किसके बराबर होगा, तो वाई के बराबर होगा। अब बताइए ए और बी दो को स्विच है, या तो स्विच ऑन होगा या तो स्विच ऑफ होगा, तो आपका या तो वन ले सकते हैं या तो जीरो, वन का मतलब होता है स्विच ऑन और जीरो का मतलब होता है स्विच ऑफ, इसको ध्यान से समझ लीजिए, आपका इंटर बोर्ड के एग्जाम में पक्का कंफर्म इससे नंबर रहेगा, इससे रहेगा आपका क्वेश्चन। अब देखिए ए और बी, या तो दोनों स्विच को ऑन कर लीजिए या तो दोनों स्विच को ऑफ कर लीजिए, या पहला स्विच को ऑन किए दूसरा को ऑफ कर दिए, या पहला को ऑफ किए दूसरा को ऑन कर दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो वन गुना वन ए इंटू बी ना गुना है, तो वन गुना वन वन होगा और ये किसके बराबर है, तो वाई के बराबर है, ए इंटू बी किसके और वाई के बराबर है, तो ये ए इंटू बी वन हुआ तो ये भी वन हो जाएगा, जीरो गुना जीरो तो जीरो तो ये भी जीरो, वन गुना जीरो जीरो तो ये भी जीरो, जीरो गुना वन जीरो तो ये भी जीरो। इसमें देखिए इसमें एक ही कंडीशन में आपका बल्ब वाई ऑन रहेगा जब दोनों स्विच ऑन रहेगा तब, अगर एक भी स्विच ऑफ हो गया तो बल्ब आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये इसका सत्यता सारणी ट्रुथ टेबल बन गया, बहुत अच्छा। अब नॉट गेट की ओर बढ़ते हैं, तो नॉट गेट में आपका क्या होता है बूलियन एक्सप्रेशन, ए नॉट बराबर वाई, तो पहले लेंगे ए और फिर लेंगे ए नॉट, ये किसके बराबर होगा, तो ये वाई के बराबर होगा। इसमें देखिए आपका एक ही तो स्विच है, ए नॉट का मतलब क्या होता है कि ए जो नहीं है, यदि ए हुआ जीरो तो ए नॉट वन हो जाएगा, नॉट का मतलब होता है कि जो ए नहीं है जस्ट उसका उल्टा, तो ए का मान या तो वन ले सकते हैं तो स्विच ऑन कर सकते हैं तो स्विच ऑफ कर सकते हैं, जीरो ले सकते हैं, यदि ए का मान वन तो ए नॉट कितना, इसका जस्ट उल्टा, तो वन का उल्टा क्या जीरो, यदि ए जीरो तो ए नॉट क्या वन, जस्ट इसका उल्टा, यही किसके बराबर होगा, तो वाई के बराबर होगा, बहुत अच्छा। तो ये आपका हो गया, ये सत्यता सारणी बन गया। तो ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो आपका लॉजिक गेट एग्जाम में जो कन्फर्म आपका आएगा, चाहे दो नंबर में आए या ऑब्जेक्टिव में आए, ये कन्फर्म आपका आएगा, तो इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, इसमें आपसे पूछ सकता है या तो और गेट का संकेत पूछ लेगा सिंबल, एंड गेट का सिंबल या नॉट गेट का सिंबल, या आपसे दूसरा पूछेगा इसका सत्यता सारणी बनाए।
तो सत्यता सारणी बनाने के लिए आपको तीनों का बूलियन एक्सप्रेशन याद रखना है। इतना हो गया बूलियन एक्सप्रेशन। और गेट का क्या होता है तो ए प्लस बी बराबर वाई। एंड गेट का क्या होता है तो ए इंटू बी बराबर वाई। नॉट गेट का क्या होता है तो ए नॉट बराबर वाई होता है। इतना हो गया। अब दो और गेट होता है, एक नंद गेट होता है, एक नॉर गेट होता है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन यदि एग्जाम में पूछ दे आपसे कि मुख्य लॉजिक गेट कितने होते हैं तो मुख्य लॉजिक गेट तीन ही होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। बाकी का जो और भी गेट होता है वो इन्हीं तीनों में से किसी दो को मिलाने से बनता है। तो इसके बारे में जानना है कि आपका जो नॉर गेट होता है, नॉर गेट, तो नॉर गेट क्या होता है, दो मुख्य लॉजिक गेट के मिलने से बनता है। तो नॉर गेट को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, और गेट में जब नॉट गेट को जोड़ते हैं तो नॉर गेट बनता है। नंद गेट कैसे बनता है तो एंड गेट में जब नॉट गेट को जोड़ते हैं तो नंद गेट बनता है। क्लियर है? तो इसका जो एग्जाम में सवाल आएगा आपसे पूछेगा इसका सिंबल क्या होता है, संकेत क्या होता है, और इसका लॉ, इसका सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल क्या होता है। तो यहाँ पर समझ लेना है आपको। जैसे नॉर गेट की बात करें तो नॉर गेट कैसे बनता है, तो नॉर गेट और गेट में एंड नॉट गेट को, और गेट में नॉट गेट को जोड़ते हैं तो नॉर गेट बनता है। तो संकेत के लिए पहले और गेट का संकेत बनाएंगे, तो और गेट का संकेत ये वाला बनता है, ये और गेट का संकेत हो गया। इसमें आपका दो गो इनपुट ए और बी रहता है, ये वाई आपका आउटपुट होता है। लेकिन ये और गेट का बन गया, और गेट में क्या जोड़ना है, नॉट गेट जोड़ना है। तो ये और गेट में हम लोग जो है नॉट गेट जोड़ दिए, नॉट गेट का सिंबल होता है ये वाला, तो नॉट गेट जोड़ दिए। इतना सा जो आपका है ना ये वाला नॉट गेट का सिंबल होता है, ये और गेट का है, तो ये दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, नॉर गेट बन गया। और में नॉट को मिला दिए तो ये आपका नॉर बन गया, नॉर गेट। या इसका सिंपल सा एक और हम लोग संकेत बना सकते हैं, इसका एक और संकेत ऐसे ही बना सकते हैं कि ये और गेट बना दिए, ये दो इनपुट ए और बी डाल दिए इसमें, आ ये नॉट मिलाना, तो यहाँ पर ये गोला कर देंगे। गोला, ये गोला का मतलब होता है नॉट, ये इस तरह का गोला जहां भी दिख जाए आपको समझ जाना कि ये नॉट है, भूलना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है, गोला जहां मिल रहा है नॉट है ये। तो ये आपका ये बन गया नॉर गेट का संकेत बन गया। अब एंड गेट का संकेत क्या होता है, सॉरी नंद गेट का संकेत क्या होता है, तो इसमें एंड गेट में नॉट गेट जोड़ते हैं, तो एंड गेट का संकेत क्या होता है, तो एंड गेट का संकेत ये वाला होता है आपका, ये हम लोग का जो है, ये आपका जो है ए आई ए बी आपका, ये एंड गेट का हुआ। अब एंड गेट में क्या जोड़ना है, एंड गेट में जोड़ना है आपको नॉट, तो ये नॉट जोड़ दिए हम लोग, ये नॉट जुट गया, तो एंड में नॉट जोड़े तो ये नंद गेट का बन गया। या इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा भी संकेत बना सकते हैं, ये बना दिए हम लोग एंड गेट, इनपुट ए और बी रख दिए, इसमें नॉट करना तो यहाँ पर गोला बना देंगे, गोला, ये गोला को ध्यान देना है, गोला का मतलब नॉट होता है, तो ये बन गया आपका वाई। तो ये हो गया आपका जो है नंद गेट का संकेत बन गया। तो आपका नॉर गेट रहे या नंद गेट रहे तो इसका संकेत इस तरह से बनाते हैं, या तो ये वाला बनाएंगे या तो ये वाला, अगर नॉर गेट रहे तो ये वाला बनाएंगे या तो ये वाला बनाएंगे, ध्यान रखना है। अब इसका सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल आपको बताना है, ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा आपका लॉजिक गेट से हर एक साल, ऐसा एक भी साल नहीं जिस साल लॉजिक गेट से क्वेश्चन इंटर के एग्जाम में ना हो। अब देखो यहाँ पे, अब इसके बाद जो है इसका सत्यता सारणी बनाना है, तो सत्यता सारणी बनाने के लिए इसका जो आपको बूलियन एक्सप्रेशन पहले इसका लिखना पड़ेगा, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इसका देखिए और गेट, और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, समीकरण क्या होता है, ए प्लस बी बराबर वाई होता है, ये और गेट का होता है, इसमें क्या जोड़े नॉट जोड़े, तो इसके ऊपर लगा देंगे नॉट, सिंपल, ये किसका हो गया नॉर गेट का हो गया है, सिंपल। फिर से एक बार देखिए और गेट का क्या होता है, ए प्लस बी और वाई होता है और गेट का, इसमें क्या मिला नॉट, तो इसके ऊपर लगा देंगे नॉट, ये किसका संकेत हो गया, ये बुलियन एक्सप्रेशन, सॉरी बुलियन एक्सप्रेशन किसका हो गया, तो नॉर गेट का हो गया। अगर नंद गेट का लिखना आपको बुलियन एक्सप्रेशन, तो एंड गेट, एंड गेट का क्या होता है समीकरण, ए इंटू बी और वाई, इसमें क्या लगाना है नॉट, तो इसके ऊपर लगा दिए नॉट, ये हो गया किसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, ये हो गया नंद गेट का हो गया। इतना हो गया। अब इसका ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी बनाना है, तो बनाइए इसका ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी बनाइए, ट्रुथ टेबल तो बनाइए। अगर इसका समीकरण आपको बूलियन एक्सप्रेशन पता है तो सत्यता सारणी आराम से बना सकते हैं, तो बनाइए। इसमें क्या ए, पहले ए लिखा हुआ है तो ए लिख देंगे, फिर बी लिखा है बी लिख देंगे,
फिर दोनों को जोड़ देंगे a प्लस बी कर देंगे, अब फिर दोनों का नोट है, दोनों का फिर क्या है a प्लस बी का नोट, यही किसके बराबर है तो y के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग बना दिए, बहुत अच्छा। अब देखिए दो गो स्विच है a और b, दो स्विच है a और b, दो स्विच है, या तो स्विच को ऑन कर सकते हैं या तो स्विच को ऑफ कर सकते हैं, या तो जीरो ले सकते हैं या तो वन, वन का मतलब स्विच ऑन है और जीरो का मतलब स्विच क्या है आपका ऑफ है। अब देखिए यहाँ पे या तो दोनों स्विच को ऑन कर दिए ए बी दोनों वन वन ले लिए, या दोनों स्विच को ऑफ कर दिए दोनों जीरो ले लिए, या तो पहला स्विच को हम लोग ऑन किए दूसरा को ऑफ कर दिए, या पहला को ऑफ किए दूसरा को ऑन कर दिए, इतना काम कर दिया। आप देखिए यहाँ पे वन प्लस वन क्या होता है तो बताए थे आपको, इसमें या तो जीरो लेंगे तो वन लेंगे, वन प्लस वन को वन लेंगे, वन का नोट क्या होगा, नोट मतलब जो नहीं उल्टा उसका, तो वन का उल्टा क्या जीरो, ये किसके बराबर तो वाई के बराबर, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो का नोट कितना इसका उल्टा हुआ ना वन, इसके वन के बराबर है वाई, वन प्लस जीरो वन, वन का नोट क्या जीरो, ये जिसके बराबर जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन का नोट वन का उल्टा क्या जीरो, तो ये जीरो। तो इसमें देखिए इसमें आपका जो है बल्ब एक ही बार ऑन रहेगा, बल्ब एक ही बार जलेगा जब दोनों स्विच क्या हो, दोनों स्विच ऑफ हो, दोनों स्विच क्या हो, जब दोनों स्विच ऑफ रहेगा तभी आपका बल्ब ऑन रहेगा, इसके अलावा किसी भी कंडीशन में बल्ब आपका ऑफ रहेगा हमेशा। तो ये हो गया आपका नॉर गेट का सत्यता सारणी। अब बनाना है नंद गेट का सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल बनाना है तो बनाइए। इसके लिए इसका बूलियन एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा, समीकरण तो बन जाएगा। पहले क्या लिखा ए, तो ए लिख दिए, फिर लिखा हुआ है बी, बी लिख दिए, फिर दोनों को गुना करना है, गुना कर दिए, उसके बाद क्या करना है आपको, दोनों का नोट है तो a इंटू बी का नोट बराबर क्या है तो y है। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए या तो दोनों स्विच को ऑन कर दिए या तो दोनों स्विच को ऑफ कर देंगे, या पहला को ऑन किए दूसरा को ऑफ किए, या पहला को ऑफ किए दूसरा को ऑन कर दिए, चार कंडीशन हो सकता है। इसके अलावा और कोई कंडीशन है तो सोच के बताइए, जैसे अगर मान लो एक सिक्का को उछाल लेते हैं तो हेड आएगा तो टेल आएगा, उसी तरह से यहाँ पे या तो दोनों स्विच को ऑन कर दिए दोनों स्विच को ऑफ कर दिए, पहला को ऑन किए दूसरे को ऑफ किए, पहला को ऑफ किए दूसरे को ऑन किए, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। अब देखिए वन गुना वन क्या होता है वन, वन का नोट मतलब वन का उल्टा क्या हो जीरो, किसके बराबर है तो वाई के बराबर है, जीरो गुना जीरो जीरो, जीरो का नोट वन तो ये वन हो गया, वन गुना जीरो जीरो तो ये जीरो, ये वन गुना जीरो जीरो होगा, जीरो का नोट क्या होगा वन होगा तो ये वन हो गया, जीरो गुना वन जीरो हो जाएगा, जीरो गुना वन जीरो, जीरो का नोट क्या होगा आपका वन होगा, ये वन होगा। इसमें देखिए बल्ब आपका एक ही कंडीशन में ऑफ रह सकता है जब दोनों स्विच क्या हो ऑन हो, जब दोनों स्विच क्या हो ऑन हो, जब दोनों स्विच ऑन रहेगा तभी आपका बल्ब ऑफ रहेगा, अन्यथा सभी कंडीशन में बल्ब आपका ऑन रहेगा। तो ये बस यही है आपको एग्जाम में जो टोटल पांच गेट पढ़े हम लोग, एंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, नंद गेट, नॉर गेट, पांच गेट जो पढ़े तो सबका सिंबल, सबका सत्यता सारणी, किसी का ही पूछ सकता है। तो सत्यता सारणी याद नहीं रखना आपको, खाली उसका समीकरण बूलियन एक्सप्रेशन याद रखना है, ऐसे एग्जाम में पक्का कंफर्म क्वेश्चन रहता है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन।